मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक्मी घाट दरभंगा। मिथिलांचल में दांत मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से, क्योंकि यह शरीर के सबसे नाजुक अंग है और इसका उपचार भी विशेषज्ञ से होना चाहिए। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव, हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दांत मुंह और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा में बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर के जिलाधिकारी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा में एमएलसी के चुनाव को लेकर के दरभंगा डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की समीक्षा बैठक। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा ईंट भट्टे में कोल बचत, बेहतर संचालन एवं प्रदूषण को लेकर के आज प्रशिक्षण कार्यक्रम। दरभंगा डीडीसी के द्वारा नीलामी की तिथि घोषित। स्कॉर्पियो टेम्पू की टक्कर में घायल व्यक्तियों का इलाज डीएमसीएच में, डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा 3 की हो चुकी है मौत। लहरियासराय के एमएलए एकेडमी में एसटीईटी रिजल्ट कार्ड का वितरण। दरभंगा में नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अविलंब चालू करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जिला परिषद सभागार में दरभंगा डीडीसी ने की योजनाओं की समीक्षा। दरभंगा जिलाधिकारी ने आज एमएलसी चुनाव को लेकर के कहा कि 2 तारीख से ही आचार संहिता लागू हो गई है, वहीं 4 अप्रैल को चुनाव होगा एवं 7 अप्रैल को मतगणना। उन्होंने इस संबंध में कहा कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरे 18 प्रखंड पर एक एक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जारी हो गया है, आदर्श आचार संहिता के लिए निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और जो भी निर्वाचन को पारदर्शी तरीके से, स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। जिला स्तर पर हम लोग जो पहली बार निर्वाचक सूची है, मतदाता सूची है, उसका सभी जगह पे 4 तारीख को, 4 मार्च को हम लोग प्रकाशन कर रहे हैं, 4 अप्रैल को ये मतदान संपन्न होना है। कितने मतदाता इसमें? इसमें टोटल जो मतदाता है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कुल मतदाता की संख्या 5108 है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि 5052 हैं, नगर निकाय नगर निगम दरभंगा के 40 वहां से मतदाता होंगे, निर्वाचक होंगे। कितने बूथों का निर्माण किया जाएगा? 18 सभी प्रखंड मुख्यालयों में, जिले में 18 प्रखंड मुख्यालय है, वहां पर मतदान केंद्र होंगे। आचार संहिता प्रभाव में आ गया है, 2 तारीख से आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू हो गई। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज सभी राजनीतिक दलों के साथ स्थानीय निकाय चुनाव एमएलसी पर चर्चा की। इस मौके पर मतदाताओं के परिचय पत्र के अलावा कोई त्रुटि है या किसी को विरोध है या आरोप है, इस पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सबों से विचार विमर्श किया। आज जो है सो स्थानीय निकाय का विधान परिषद का सीट खाली और उसी संबंध में बैठक था, मतदाता सूची का प्रकाशन, उसके बाद यदि कहीं कोई उसमें कंप्लेंट का सवाल है तो वो फिर आपको होगा और उसके बाद साथ आज जो है दरभंगा जिला अधिकारी महोदय के द्वारा आगामी जो लोकल बॉडी का जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसके निमित्त दरभंगा के जिलाधिकारी महोदय ने आज सभी राजनीतिक दल के अध्यक्षों को बुलाए थे। दरभंगा डीएमसीएच में एक दिन पूर्व रात में स्कॉर्पियो टेम्पू की टक्कर में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए अधीक्षक ने कहा कि उनमें से 3 की मौत हो चुकी है, 1 को पटना रेफर किया गया है और 1 का इलाज यहां डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं डीएमसीएच अधीक्षक ने बताया कि एक व्यक्ति काफी गंभीर रूप से घायल था, उसे पारस के लिए भेज दिया गया जहां देर रात उसकी मृत्यु हो गई। वहीं एक शिक्षिका की भी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल एक व्यक्ति का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। आपको
फातिमा फूलों के पास जैसा कि जानकारी मिली, जहाँ एक टेम्पो पर कुछ लोग आ रहे थे, पीछे से एक स्कॉर्पियो जो काफ़ी तेज रफ्तार से आ रही थी उसने उसको धक्का मार दिया और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। दो व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और 6 व्यक्ति यहाँ आए, DMCS में आए, मैं वहाँ था। तो एक की हालत बहुत गंभीर थी, उसको CT स्कैन करा के ब्लड लगा के हम लोग पटना रेफर कर दिए, और एक का मल्टीपल फ्रैक्चर था तो उसका भी CT स्कैन करवाया गया, लेकिन हेड में उसको आप पैर जो है सो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत था। उसके परिजन उसको पारस अस्पताल ले जाने के लिए आग्रह किए, तो बोले आपका मरीज है, आप जहाँ से इलाज करा सकते हैं। पारस अस्पताल ले गए उसको, रात में पता चला कि उसका भी डेथ हो गया है। वो शिक्षिका थी और सीमा नाम था उसका। एक मरीज को पटना रेफर किया गया, उसकी भी स्थिति गंभीर थी, उसको भी हेड इंजुरी था, उसके बारे में नहीं पता है क्या हुआ। बाकी दो को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। दरभंगा में जिला ईंट उद्योग संघ के सहयोग से जिले भर में चलाए जा रहे ईंट उद्योग में कार्यरत मजदूरों को कोल सेवा बचत एवं विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बताया गया कि किस तरह प्रदूषण रहित कार्य किया जा सकता है। इस मौके पर जिला ईंट उद्योग संघ के अध्यक्ष महासचिव के साथ कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। पॉल्यूशन को देखते हुए नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी जिक्के फट्टे लगाए जा रहे हैं और उन सभी जगह पे इसी तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि नया तकनीक है, इसमें बुझाई अलग होता है, गोली की छुपाई करने का तरीका अलग है, जिक्के में हमको ज्यादा खींच लेके चलनी होती है। दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी भवन जनता को सौंपने के लिए कई वर्षों से जनता मांग कर रही है। कई बार सांसद गोपाल जी ठाकुर और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण कर एजेंसी को फटकार तक लगाई कि जल्द से इसे पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं होने पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता नेताओं ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इसमें OPD प्रारंभ नहीं किया जाता है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि एक वर्ष पूर्व भी इससे पूरा किए जाने को लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री ने कहा था, लेकिन एजेंसी अभी तक कार्य पूरा नहीं कर पाई, जिसके खिलाफ जनता में भी आक्रोश है। आए दिनों हम लोग लगातार DMCS प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो DMCS में जो अराजकता फैली हुई है उसे जल्द से जल्द खत्म करें, लेकिन हमारी बातों पे अभी तक DMCS प्रशासन कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही होती है। जिस अस्पताल को 2018 में चालू होना था 2022 तक चालू नहीं हो सका है। हम लोग का मांग है जब DMCS इस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में जब डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है तो यहाँ की OPD अभी तक चालू क्यों नहीं हो सकी है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी आगामी दिनों में अगर हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दरभंगा जिला परिषद सभागार में DDC तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में नल जल जल जीवन हरियाली पंचायत सरकार भवन एवं अन्य सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, तकनीकी सहायकों, DPRC टीम तथा प्रोग्रामर मौजूद थे। पंचायती राज से संबंधित योजनाओं को विस्तृत समीक्षा के दौरान पाया गया कि नल जल की 39 योजनाएं अभी तक अपूर्ण है। DDC ने एक माह के अंदर योजना पूर्ण करने का सख्त निर्देश जारी किया। दरभंगा के नगर थाना की पुलिस ने उत्पाद विभाग के सहयोग से शुभंकरपुर गांछी में छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपितों की पहचान शुभंकरपुर के शंकर कुमार व रत्नोपट्टी निवासी विशाल के रूप में हुई है। STET का रिजल्ट कार्ड छात्र छात्राओं को
3 मार्च से एमएल एकेडमी लहरियासराय में रोल नंबर के अनुसार उपलब्ध कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारी विभा कुमारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार वितरण 3 मार्च से आरंभ होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। वितरण का समय दिन के 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर के मधुबनी जिलाधिकारी ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 9 तारीख से 16 मार्च तक चलेगा नामांकन की प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद स्क्रूटी होगी और 4 अप्रैल को चुनाव होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 7 अप्रैल को मतगणना किया जाएगा। निर्वाचन 2022 के लिए नोटिफिकेशन की डेट 9 तारीख रहेगी, आने वाली 9 तारीख। इस डेट से हम लोग नॉमिनेशन लेना आरंभ करें जो कि 16 तारीख तक लगातार चलेगा, 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। स्क्रूटिंग के लिए 17 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। कैंडिडेटर को यदि कोई वापस लेना चाहे, नाम वापसी की तिथि 21 तारीख रहेगी जो कि सोमवार पड़ रहा है। निर्वाचन की तिथि 4 तारीख है, 4 अप्रैल जो कि सोमवार है। मतदान जो होगा वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रहेगा और मतों की गणना वो 7। दरभंगा के एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद से बृहस्पतिवार को करीब 1 दर्जन से अधिक फरियादी अपनी समस्याओं के लिए गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन एसएसपी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहने के वजह से उन्हें 3 घंटा इंतजार करना पड़ा। हालांकि सभी ने अपनी समस्याओं से एसएसपी को बाद में अवगत कराया। एसएसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। समस्या सर ये है कि जो हम जो हमारे जो है दिल्ली रहते हैं, मजदूरी करते हैं, जहाँ हमारी पत्नी रहती थी भीगो नया टोला में हमारा ससुराल हुआ। वहाँ से जो जब हम 23 तारीख को यहाँ उतरे और जो 24 तारीख को वहाँ पे उतरे तो हमारी पत्नी वहाँ नहीं पाई, ये तो हमको पता नहीं है। ससुराल वालों से पूछ रहे हैं तो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो उसका आवेदन हमने कल जो है लहरियासराय थाने में दिया, वहाँ भी बोल रहे कि यह आपका नहीं होगा, जाओ तुम्हारी बीवी कहाँ खोई है तो तुम खुद ढूंढो। महिला थाना में भी गए तो वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा, तो यहाँ हमें सिर्फ के पास आए हैं।